मैं विनोद चौधरी, VKCMS सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 से जो पहले के एग्जांपल है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 2। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q and that every positive odd integers is of form of 2q plus 1। यानी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, धनात्मक जो सम पूर्णांक है उसको आप 2q के रूप में, और जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको आप 2q plus 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हो। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। आप जानते हो कि कोई भी धनात्मक जो सम संख्या है वो 2 का मल्टीपल होता है, 2 का गुणज होता है, तो ये 2q आ रहा है। और अगर आप सम संख्या में 1 जोड़ दो तो अपने को विषम संख्या मिलती है, ऑड नंबर मिलता है, तो 2q प्लस 1 क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो आप एग्जांपल नंबर फर्स्ट की तरह ही सेम लिखोगे कि लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और जो b का मान है वो कितना लेओगे, यहाँ पे देखो 2 आ रहा है दोनों में, तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है। a आप कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हो और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2, तो यहाँ पर आप यूक्लिड थ्योरम अप्लाई कर रहे हो। तो देन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आप यहां पे यूक्लिड डिवीजन विभाजन विधि से आप क्या लिख रहे हो कि a इज इक्वल टू 2q प्लस r, क्योंकि आपने यहां b की वैल्यू पुट कर दी है 2। अब r की वैल्यू यहां पे क्या होगी, वेयर r क्या होगा, देखो b 2 है तो इससे तो ये लेस देन रहेगा और 0 से ग्रेटर देन और इसके इक्वल टू रहेगा। तो ये क्या है, r की वैल्यू आप यहां पे पुट कर सकते हो। तो पुटिंग r इज इक्वल टू, देखो 0 से छोटा लेना है आपको, तो 0 और 1 ही पुट कर सकते हो आप। तो आप सबसे पहले जब 0 पुट करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, और दूसरा है वो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो ये आपको यहाँ पे वैल्यू मिलती है। तो a बराबर ये 2q हो गया और ये a बराबर 2q प्लस 1 हो गया। अब ये 2q है और ये 2q प्लस 1 है, तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे आगे, नेक्स्ट लाइन आप नेक्स्ट लाइन लिखोगे कि q इज एनी इंटीजर, q एक कोई पूर्णांक है, तो a इज इक्वल टू 2q। तो a का मान आप यहां पे पहला ये 2q ले रहे हो, ये क्या होगा, देन a इज इवन इंटीजर, a है वो सम पूर्णांक है, क्यों है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, 2 का कोई भी गुणज होता है तो वो क्या होता है, सम संख्या होती है। तो a क्या हो गया, ये इवन इंटीजर हो गया। अब आप ये जानते हो कि कोई भी पूर्णांक है उसको आप सम या विषम के रूप में लिख सकते हो, सम या विषम के फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप यहां पे लाइन लिख दीजिए कि वी नो दैट any integers can be even or odd, कि कोई भी जो पूर्णांक है वो सम या विषम होता है। so इसलिए a is even integer, a कोई धनात्मक पूर्णांक और वो भी कौन सा,
इवन नंबर है ये, यानी सम पूर्णांक आप ले रहे हो तो ए प्लस वन, यानी ए में अगर आप एक जोड़ देते हो तो ए सम संख्या में एक जोड़ने पर वो क्या बनेगी, विषम संख्या बनेगी। तो देन ए प्लस वन विल बी ओड इंटीजर, यानी ए प्लस एक क्या है, विषम पूर्णांक होगा। आप यहां चाहो तो ए प्लस वन को आप ये लिख सकते हो, ये टू क्यू प्लस वन, तो ये आप इसके साथ ही अटैच कर सकते हो। देन ए प्लस वन यानी टू क्यू प्लस वन विल बी ओड इंटीजर्स, ये क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो यहां पर आपने ये सिद्ध कर दिया था कि ए है वो इवन इंटीजर है, यानी ए कौन सा था, ये दो क्यू था, तो ये दो क्यू तो क्या हो गया है, सम संख्या हो गया है, सम पूर्णांक हो गया है, और दो क्यू प्लस एक क्या हो गया है, विषम पूर्णांक हो गया है। तो आपको आगे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, वहां पे आपको ये प्रूव करवाएगा कि ओड इंटीजर का जो स्क्वेयर है वो 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो ये ओड इंटीजर्स का जो फॉर्म है ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ओड इंटीजर्स को आप किस फॉर्म में रख सकते हो, 2q प्लस 1। तो विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। आगे जब उसका स्क्वेयर वाला क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर अपने को इतना लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर ये इतनी चीजें लिखनी पड़ेगी, पहले उसको बताना पड़ेगा कि ओड इंटीजर्स कौन सा होता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है, नहीं तो इतना प्रूव करना पड़ेगा पहले, और फिर आप वो आगे उसका स्क्वेयर वाला प्रोसेस शुरू करोगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक का वर्ग या क्यूब करना आए तो आपको ये डायरेक्टली अगर याद है, नहीं तो आपको इतना पहले सिद्ध करना पड़ेगा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है सम या विषम, उसको 2q और 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, और फिर उसका स्क्वेयर या क्यूब आएगा तो वो उसका स्क्वेयर या क्यूब आपको करना पड़ेगा।